तो चलिए दोस्तों सुनते हैं अंधे की लाठी, लिखा है रशीद जहां ने। नवाब मोहम्मद असगर अली खां और नवाब मोहम्मद इकबाल अली खां सगे भाई थे और नवाब मोहम्मद मुकर्रम अली रईस के लड़के थे। नवाब साहब ने हालांकि बहुत ज्यादा रुपया अपनी जिंदगी में उड़ा दिया था, लेकिन जब उनका स्वर्गवास हुआ तो उनके लड़के नाबालिग थे। जायदाद कोर्ट ऑफ वार्ड कर दी गई और यही वजह था कि बच गए। दोहरी जायदाद मिली, उनकी एक फूफी बे औलाद थी, अपनी रियासत भी छोड़ भतीजे को दे दी थी। दोनों भाइयों में वो मोहब्बत और दोस्ती थी कि फूफी की इस तरह हरकत से जरा भी मेल न आया। जबकि असगर की दुल्हन छल भुन कर रह गई, पति को हजार बार भड़काया कि इकबाल पर मुकदमा चलाकर अपना हक हासिल करे, लेकिन उन्होंने सुनी अनसुनी कर दी। भाई को कभी पता भी न चलने दिया कि उनको बुरा लगेगा। दूसरे भाई इकबाल पे औलाद थे और जायदाद भाग कहां जाती, जब तक सास जिंदा रही। दोनों बहुएं एक ही घर में जैसे तैसे रही। उनके मरने के बाद इकबाल और असगर ने बड़ी कोशिश की कि दो घर न हो, लेकिन आखिर में बीवियों की तूतू में से तंग आकर छोटी हवेली में चले गए। चूल्हे दो दो हो गए थे और बीवियां एक दूसरे के खून की प्यासी थीं, लेकिन दोनों भाइयों की मोहब्बत एक ऐसी मजबूत बुनियाद पर खड़ी थी कि उसका गिरना बहुत कठिन था। अपनी औलाद न होने के कारण इकबाल अपने भाई की औलाद के दीवाने थे। हजार बार बीवी से कहा कि वो भाई का लड़का गोद लेना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने जेठानी की औलाद को पालने से इनकार कर दिया। असगर की पत्नी के तो 9 बच्चे थे और बेचारे इकबाल की पत्नी बांज मशहूर थी। औलाद न हो न सही, लेकिन जेठानी के व्यंग और मजाक जिंदगी गुजारना मुश्किल किए हुए थे। औलाद का गम उन्हें खाए जाता और यह ख्याल तो बीमार ही कर देता था कि मियां की जायदाद भी असगर के बच्चों में चली जाएगी। वो छुप छुप कर इलाज कराती, दुआएं मांगती, ताबीज कंडा सब कुछ करती, आसपास क्या दूर दूर मजारों पर जाती, मन्नतें मांगती कि खुदा उनको एक लड़का दे दे। वह हजार छुपा कर इलाज करती, लेकिन फिर भी असगर की पत्नी को खबर हो जाती और उनके हाथ देवरानी को जलाने का एक नया शगुफा लग जाता। अरे दौलत लुटा रही है दौलत, मुए मायके वाले हर समय खड़े रहते हैं वह अलग, मुल्ला सयाने लगे रहते हैं वह अलग, कई पत्थर में से खून निकला है जो अब इनके औलाद होगी। असगर दुल्हन महफिल में इतनी जोर से हंसती कि इकबाल दुल्हन सुन ले। इकबाल दुल्हन जिसका मायका गरीब था और जो औलाद की खातिर हर वक्त रुपया खर्च करती रहती थी, इस तरह के कटाक्ष सुनकर आग हो जाती और जरा सी देर में दोनों में वो व्यंग शुरू होती कि महफिल की रौनक बढ़ जाती। असगर दुल्हन हंस हंस कर चुटकियां लेती और इकबाल दुल्हन झुंझला कर जवाब देती। आखिर में बेबस होकर रोने लगती, मुंह पीटने और कोसने काटने पर उतर आती। इसी वजह से इकबाल दुल्हन ने जेठानी के कारण हर जगह आना जाना छोड़ दिया था, लेकिन फिर भी एक शहर का रहना, कहीं कहीं मुलाकात हो जाती। 20 बरस के बाद इकबाल दुल्हन की किस्मत फिरी और कुछ उम्मीद हुई। पहले तो उन्होंने डर की वजह से किसी से कहा नहीं, कई बार इस तरह का शक उन्हें पहले भी हो चुका था और हर बार एक नया शगुफा जेठानी को मजाक उड़ाने को मिल जाता। जब पता चला तो असगर दुल्हन घबराए कि कहीं सचमुच उनकी लड़का न हो जाए। एक तो जायदाद का मालिक पैदा हो जाएगा, दूसरे देवरानी बराबर की हो जाएगी। बहुत ताबीज तोड़ के अतः कोई ऐसा जादू न छोड़ा कि बच्चा गिर जाए, लेकिन ऐसा लगता था कि इकबाल दुल्हन के मौलवी ज्यादा जोरदार थे। 9 महीने के बाद अल्लाह ने बजा एक लड़के की दो लड़कियां दी। इकबाल की खुशी का कोई ठिकाना न था। इधर बैठक में लोग मुबारकबाद को आने लगे
और दूसरी तरफ दरवाजे पर ढोल बाजे बजने लगे। अस्कर दुल्हन कब चुकने वाली थी, तुरंत मियां से कहकर अपने दो छोटे बेटों की शादी का रिश्ता भिजवा दिया। इकबाल जो भाई पर जान देते थे, ये सुनकर फूले न समाये और भाई को जबान दे दी। जब औरतों में आकर कहा तो इकबाल दुल्हन अपने जज की भूल कर पलंग पर तन कर पेट गए और पति को हजारों सुनाई, भला अब वह क्यों दबती, अब उन्हें कौन बाँच कह सकता था। उन्होंने इस सगाई को मानने से इनकार कर दिया। इकबाल जबकि कमजोर आदमी थे, बीवी का हमेशा ख्याल रखा, लेकिन इस बात पर वह कभी अड़ गए कि लड़कियां तो भाई साहब की हैं, 10 आदमियों के सामने जबान दे चुका हूं, अब कुछ नहीं हो सकता। असगर दुल्हन ने मिठाई भेजी, बावजूद बीवी के विरोध के इकबाल ने रख ली। मिठाई घर में रख तो ली, लेकिन वो सड़ सड़ कर फेंकी। इकबाल दुल्हन ने हाथ लगाया, जब कोई उन्हें मुबारकबाद देता तो वो नाक पांव सिकोड़ कर कहती, देखा जाएगा, न मैंने सगाई लगाई है और न मैं जानू। लड़कियां जब जरा बड़ी हुई तो असगर दुल्हन ने चाहा कि निकाह भी हो जाए, कहती थी कि मेरी जिंदगी में तो होगा नहीं। इकबाल दुल्हन कहती थी कि मेरी जिंदगी में तो होगा नहीं। इकबाल की इतनी हिम्मत न थी कि बगैर बीवी को सम्मिलित किए निकाह कर दे। अतः इसी बहस और नोक झोंक में दोनों लड़कियां अहमदी बेगम और कादिरी बेगम 15 बरस की हो गईं। अहमदी और कादिरी हमेशा एक से कपड़े, एक सी सूरत और दिल डोल के साथ बिल्कुल एक दूसरे की तस्वीर थी। मां तक धोखा खा जाते थे। अहमदी केवल घंटा भर बड़ी थी, लेकिन अपने बड़े होने पर उन्हें बड़ा गर्व था और कादिरी से अपने को बड़ी आपा कहलवाती थी। मां की शिक्षा का असर था कि दोनों बहनें चच्ची को किसी कसाई से कम न समझती थी और जब अपनी आने वाली जिंदगी का ख्याल करती तो कांप जाती, लेकिन इतनी हिम्मत कहाँ थी कि बाप से कहती कि हम चच्चा के लड़कों से शादी करना नहीं चाहती। कुंवारी लड़कियां हिंदुस्तानी सभ्यता में पली हुई थी, इस किस्म के शब्द जबान पर ला भी नहीं सकते थे। जब माँ बाप की रोज रोज की लड़ाई सुनती तो छुप छुप कर रो लेती। लड़कियां 15 साल की हो गई थी, लेकिन इकबाल दुल्हन किसी तरह राजी नहीं होती थी। कहती थी कि उम्र भर कुंवारी रखूंगी, तुम्हारे भाई के घर न दूंगी, जहर खिलाकर सुला दूंगी, मगर असगर के बेटों को न ब्याहूंगी। कुंवारी रखने और जहर खिलाने की धमकी रोज देती थी, लेकिन बेटियों का दहेज बराबर तैयार कर रही थी। असगर दुल्हन की भी हट थी कि आखिर एक दादा की जायदाद है, अलग क्यों हो, देवरानी का जब दिल चाहे करे, जल्दी नहीं है। असगर गरीब बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे और भावज के बुरे व्यवहार व नहीं नहीं से तंग आ गए थे, लेकिन जायदाद का लालच बुरा होता है। वह भी अपनी बात पर अड़े थे और बराबर भाई पर जोर डाल रहे थे कि शादी कर दो। जब लड़कियां चाचा के यहाँ मांगी हो तो किसी की मजाल है कि रिश्ता भेजे, और कोई जिक्र भी देता तो असगर दुल्हन से पिन छुड़ाना हो जाता। अहमदी और कादिर की आने वाली जिंदगी का मसला इस तरह खटाई में पड़ा हुआ कि उनका भाग्य जागा और एक बार 6 दिन निमोनिया में पड़े रहकर मर गए। बीमारी के जमाने में असगर और उनकी बीवी ने 1000 कोशिश भी की निकाह हो जाए, लेकिन इकबाल की दुल्हन ने मियाँ की ऐसी चौकीदारी की कि असगर और उनकी दुल्हन की एक न चले और लड़कियों को बिन बिहारे छोड़कर इकबाल चले गए। और उनकी मौत के बाद यह हाल खुला कि वो जिंदगी में सारी जायदाद बीवी के नाम कर गए थे। असगर दुल्हन तिल मिलाकर रह गई। हाय, अब क्या करूं, अब तो यह सोने की चिड़िया हाथ से गई। पति के रहते ही इकबाल दुल्हन ने बचपन में मंगनियां तोड़ दी। यह खानदानी नस्ल के बच्चे असगर और उनका खानदान इस बात पर अड़ गए कि बचपन की मंगनियां टूट नहीं सकती। निकाह टूट जाए, मंगनियां नहीं टूट सकती, वरना खून हो जाएंगे। शादी होगी तो यही होगी, मजाल है कि किसी की लड़कियों को ब्याह कर ले जाए। इकबाल दुल्हन चुपके चुपके इनकी बात लगाती, लेकिन चाचा उसे किसी न किसी तरह मोड़ कर दम लेते, कहीं लड़कियों में खराबी बताते,
कहीं माँ को पागल करते। इस तरह 2 साल निकल गए और अहमदी व कादिर को वर न मिल सके। दिल्ली में सैयद मंजूर हसन साहब अत्यधिक श्रद्धालु और धार्मिक थे। उनके ज्ञान ध्यान और नेकी की इतनी धूम थी कि लोग उनके मुरीद थे। शिक्षा और ज्ञान के कारण ही मौलवी साहब को गरीबी के गड्ढे से निकालकर अमीरी की बुलंद पर पहुंचा दिया और मुसलमानों के सियासी मामले पर भी उनकी आवाज काफी जोरदार असर रखती थी। इन्होंने जब इकबाल दुल्हन का हाल सुना तो अपने लड़कों का रिश्ता भेज दिया और इकबाल दुल्हन ने ऊपर वाले की मदद समझकर कबूल भी कर लिया। चाचा को खबर हुई, वह दिल्ली मौलवी साहब के पास पहुंचे और लड़कियों पर अपना हक जताया। मौलवी साहब जो रुपए की कद्र एक अमीर से ज्यादा करते थे, कहने लगे, नवाब साहब, मुझे बहुत अफसोस है, आपके खानदान में इतनी फूट है। इस हालत में तो यही बेहतर होगा कि शादियां बाहर हों, और अब मैं तो अपनी जबान दे चुका हूं, वापस नहीं ले सकता। नवाब पहली बार मुंह की खाकर घर वापस आ गए। बीवी ने सुना तो घर में कोहराम मचा दिया। नवाब असगर अली खां के लड़के भी इसे अपना अरमान समझे और मरने मारने को तैयार हो गए। शादी तो ऐसी हालत में क्या होती। हर समय डर था कि असगर दुल्हन और उनके साहबजादे कुछ फसाद करेंगे। अतः मौलवी साहब की अक्ल ने सब काम सहूलियत से अदा कर दिया। निकाह की तारीख चांद की 21 ठहरी। जोर शोर से इकबाल दुल्हन ने तैयारी शुरू की। खत और नेवते बांटे। लोग इस ब्याह के इंतजार में थे कि जिस तरह लोग गांव में रामलीला के इंतजार में रहते हैं। 9 तारीख को मौलवी साहब दुल्हाओं काजी और गवाहों के साथ रात 11 बजे मोटर में आए। निकाह पढ़वा कर दोनों दुल्हनों को लेकर रुखसत हुए। इसकी खबर सिवा इकबाल दुल्हन और हकीमन बुढ़िया को, जो इकबाल दुल्हन की नौकर थी, किसी को कानो कान न हुई। अब हकीमन बेचारी को न ठीक से सुनाई देता था और न दिखाई। लेकिन इकबाल दुल्हन ने इस डर से कि कहीं किसी को खबर न हो जाए, उसको दुल्हनों के साथ किया। जब दूसरे दिन असगर दुल्हन को खबर हुई तो सर पीट कर रह गई। मौलवी साहब की बीवी ने अपने करीबी रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लिया था। उन्हें इस तरह खाली घर में दुल्हन उतरवाते हुए शक होता था। सब परेशान थे कि अब न मालूम क्या होगा। जब खैरियत से 1:30 बजे मोटरें आकर रुकी और मालूम हुआ कि दुल्हने आ गई तो सबको सुकून हुआ। जाड़े के दिन थे, महावटे बरस कर खुल रही थी। ठंडी हवा, कुछ कुछ बादल और कभी कभार की बूंदाबांदी सर्दी को चमका रही थी। बीवियां अंगीठियां लिए बैठी थी। इस सर्दी में कोई दुल्हने उतरवाने और कोई न उठी। सबको सोने की जल्दी थी। दुल्हने सीधी ऊपर भेज दी गई। कुंवारी लड़कियां एक कमरे में जमीन पर बिस्तर किए आपस में खुसुर खुसुर कर रही थी। ऐसे मौके इन बेचारियों को कम मिलते थे कि आपस में बातें कर सकें। ऐसे मौकों पर तो वो रात रात भर शादी ब्याह दुल्हा दुल्हन की बातें करके गुजार देती थी। लड़कों की माँ का चेहरा खुशी से चमक रहा था। जो जेवर और कागजात लड़कियों को मिले थे उनको देख देख कर वो खुशी से फूले न समाती थी। बीवियां रश्क से उनकी ओर देख रही थी। सबको जमाइयां पर जमाइयां आ रही थी। बुआ, मैं तो चली मारे नींद के बैठा नहीं जाता, कहकर खिसक जाती थी। दोनों दूल्हा इसी किस्म की खुफिया शादी से बड़े खुश थे। हर एक उन पर गर्व कर रहा था। बराबर वाले तो छेड़ छेड़ कर नाक में दम किए देते थे। बड़े साहबजादे जिनको इस्लामी ज्ञान में काफी महारत थी, अपने जीत पर बड़ा गर्व कर रहे थे और अपने दुश्मनों का मजाक उड़ा रहे थे। छोटे साहब जो शायरी का मिजाज व शौक रखते थे और पिता के दिल से उतरे हुए थे, एक अजीब किस्म की बेचैनी महसूस कर रहे थे। इसलिए बना भी सब उन्हीं को रहे थे। जब दुल्हाओं को अंदर बुलाया गया तो ये बड़ा शर्माए, लेकिन बड़े भाई को अंदर जाते देखकर उनकी हिम्मत बंदी और ये भी साथ साथ लग गए। देवड़ी पर बहनें
और चाचा मिली, उन्होंने भी खूब चिढ़ा और अपने अपने कमरे पताकर चली गईं। घड़ी ने टन टन करके 4 बजाए। छोटे साहब ने अंगड़ाई लेकर बीवी की ओर भींचा, अरे भाई ये तो बताओ, तुम्हारी बहन को भाभी जान कहूं या बड़ी साली का रिश्ता रखकर आपा जान कहूं? अहमदी, जो अभी तक शर्म के कारण जी हाँ या जी नहीं में जवाब दे रही थी, एकदम आके फाड़ कर डरती डरती आवाज में बोली, तो आप छोटे साहब, जिनको बड़ी नींद आ रही थी और जो बराबर जागने की कोशिश कर रहे थे, आधी सोई अब आधी जागती आवाज में बोले, अरे कहाँ भागी जाती हो, अल्लाह अल्लाह करके तो तुम्हें मनाया था, अब तुम हो कि भागी जाती हो, खुदा के लिए बताइए आप कौन है? तुम बड़ी शरीफ हो, तुम्हें अब भी नहीं मालूम है कि मैं कौन हूँ, आप बड़े भाई हैं कि छोटे, अल्लाह जल्दी बताइए। दुल्हन की आवाज कांप रही थी, दुल्हा ने भी आंखें खोल दी, क्यों क्यों, यह तो मेरा ही कमरा है। घबरा कर चारों तरफ निगाह डाली, वाह ये तो मेरा ही घंटा है। फिजूल, तुम मुझे डरा रही हो, मैं अहमदी हूँ बड़ी बहन, आप बताइए कि आप कौन से भाई हैं? नहीं तुम झूठ कर रही हो, छोटे साहब लिहाफ निकल पड़े हैं और फिर दुल्हन की मौजूदगी दूसरी तरफ महसूस करके अपने को छुपा लिया। उनकी आवाज में दरख्वास्त थी कि खुदा के लिए कह दो कि तुम छोटी बहन कादिरी हो, मैं झूठ नहीं बोल रही, दुल्हन ने कहा। दोनों एक पलंग पर बैठ गए, कुछ पलों तक एक दूसरे का मुंह डर और परेशानी से देखते रहे। अक्ल तो जैसे वहां थी नहीं, एक तो एहसास मर चुका था, दुल्हन अपने होश में आई और हाय अल्लाह अब क्या होगा कहकर मुंह छुपा लिया। छोटे साहब धीरे से पलंग से उतरे, कपड़े पहने और कमरे से निकल गए। दुल्हन ने जोर से पुकारा, सुनिए तो। ये तो सीधे चले गए और जाकर बड़े भाई का दरवाजा खटखटाया। वो सो रहे थे और समझे कि देर हो गई और लोग उनको जगाने आए हैं। झुंझलाकर उठे और 2 मिनट में तैयार होकर बाहर निकले। छोटे भाई को इस तरह बदहवास व बौखलाया हुआ देखकर खैरियत पूछी, भाई साहब, आवाज हलक में फंस गई। भाई साहब दुल्हने बदल गए। बड़े ने घबरा कर इधर उधर देखा, औरतों से गलती हो गई। बड़ी मुश्किल से फिर छोटे ने कहा। दोनों भाई एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बूंदों ने उन्हें होशियार किया और वो धीरे धीरे मुंडेर की तरफ बढ़े। बड़े भाई चुप खड़े थे और छोटे भाई बेचैन इधर उधर टहल रहे थे। भाई साहब क्या होगा, तुम्हें सही खबर है, खुद दुल्हन ने मुझसे कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि क्या होगा, जो अब्बा जान कहेंगे और क्या। अब्बा जान, मैं तो बिल्कुल, यह मीनों में भीगने से क्या फायदा, नीचे चलो। दोनों ने धीरे धीरे सीढ़ी से नीचे उतरना शुरू किया। बड़े भाई ने मुड़कर कहा, हर एक से कहते न फिरना, बेकार हंसी होगी, मुझे पहले अब्बा जान से बता लेने दो। और जो उन्होंने बदल लेने को कहा, पहले से ही कहने लगे, उन्हें मौका था दो। बड़े ने डांटा, छोटे बेचारे ने पहली बार औरत को बाहों में लिया था, अपनी गजलें सुनाई थी, यह तो पहले से ही बिना देखे अपनी बीवी पर आशिक हो चुके थे और बाप को भी जानते थे, बेचारे की हालत सहानुभूति के लायक थी। बड़े भाई जो औरत के मामले में इतने अनजान न थे और दुनियादार भी थे, चुप थे। छोटे बाहर से अंदर आए तो देवड़ी में खड़े रहे, माँ के पास जाए या न जाए, भाई ने मना कर दिया था कि किसी से बताना नहीं, मालूम होगा तो वो बिगड़ेंगे, लेकिन हिम्मत करके अंदर चले गए। माँ सामने गावतिया से लगी सो रही थी, जाकर जगाया। उन्होंने घबरा कर आंखें खोली तो निगाह बेटे के मुंह पर जमी की जमी रह गई। ए खैर तो है, दुल्हने बदल गई, दीवाना हुआ है लड़के, माँ ने बड़ी मुश्किल से कहा। कहाँ है अनवरी और मंजली दुल्हन जो लड़कों को ऊपर ले गई थी, बेटी को जोर से आवाज दी, खुदा के लिए अम्मा जान किसी से कहिएगा नहीं, भाई साहब ने कहा है वह अब्बा जान से पहले बता ले, आप भी किसी से मेरा नाम न लीजिएगा। यह कहकर छोटे उसी घबराहट में उठकर बाहर चल दिए और माँ मुंह देखती की देखती रह गई। तो दोस्तों,
ये थी कहानी अंधे की लाठी।